इस लेप को लगाते ही पुराने से पुराने घुटने में दर्द हो, गठिये का दर्द हो, कमर का दर्द हो, गर्दन का दर्द हो, ज्वाइंट का दर्द हो या फिर किसी भी तरह के जोड़ों का दर्द हो, वेरिकोज वेन की समस्या हो गई है, कुछ पुराने शरीर में दर्द हैं जो बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं, मांसपेशियों में दर्द है या फिर घुटने से कटकट की आवाज़ आती हो, घुटने की जो ग्रीस है वो ख़त्म हो रही हैं, साथ ही साथ उनकी जो कार्टिलेज हैं वो घिस रहे हैं, एक दूसरे से हड्डियां रगरन खा रही है और वहाँ से हड्डियों में से जो टुकड़े हैं वो निकल रहे हैं, उठने बैठने में काफ़ी तकलीफ होती है, मॉर्निंग स्टिफनेस की शिकायत हो रही है, यानी जब भी आप सुबह सोकर उठते हैं तो आपके जो जोर हैं उसमें जकड़न महसूस होता है या फिर सूजन हो रखा है आपको, जहाँ भी दर्द है, गठिये का दर्द है, किसी भी उम्र में दोस्तों ये दर्द हो सकती है। पहले बुजुर्गों में ये दर्द देखी जाती थी, अभी किसी भी उम्र में ये गठिये का दर्द और ग्रीस का ख़त्म हो जाना, ये समस्या बहुत ही आम हो गई है। धीरे धीरे घुटने के अंदर जो साइनोवियल फ्लूइड होते हैं ना, वो धीरे धीरे कम होने लग जा रहे हैं, तो उसको जो आज मैं जो लेप बता रही हूँ उसको आप लगाना शुरू कर दें। आपको इसमें कुछ भी खाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नेचुरल रेमेडी है, प्राकृतिक इलाज है और इसे लगाने से आपको बहुत ही राहत मिलेगा। सिर्फ 3 सामग्री का हमने इस्तेमाल किया है जो घर में मौजूद रहती हैं, आपको बिल्कुल बाज़ार जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इन तीन चीज़ों की मदद से आप ये लेप तैयार कर लेंगे और इसे लगाते ही लगातार आप इसे लगाइए, 10 से 15 दिन में आपको बहुत ही असर लगेगा, बिल्कुल ये जो ग्रीस ख़त्म हो रही है वापस से बननी शुरू होगी। और इसे जब आप लगा लेंगे ना, एक बार लगा लेंगे, आपको इतना राहत होगा कि आप इसे बार बार लगाएंगे। दोस्तों इसको बनाने के लिए हमें लेना है गुड़, गुड़ बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, सिर्फ गुड़ का ही इस्तेमाल करना है। यहाँ पे गुड़ में बहुत ही ज़्यादा गर्माहट होती है, बहुत ही ज़्यादा इसमें ऐसे ऐसे तत्व होते हैं जो कि हमारे त्वचा के लिए भी, दोस्तों हम खाने से तो हमें जो तत्व हैं वो मिलते ही हैं, लेकिन अगर हम किसी भी चीज़ को अपने शरीर पर मालिश करते हैं, लगाते हैं, तो उससे भी जो हमारी रोम छिद्रों में ये चली जाती हैं और हमारे शरीर के अंदर उसकी कमी को पूरा करती हैं। इसमें बहुत अच्छी मात्रा में जो गुड़ होता है, फॉस्फोरस होता है, आयरन होता है, जो कि कमज़ोर हड्डियों को मजबूत बनाता है दोस्तों, और साथ ही साथ ये जो गुड़ है वो गर्माहट भी देता है, इस वजह से जो दर्द हैं या फिर वहाँ पे जो सूजन की समस्या हो रखी है वो धीरे धीरे दूर होने लगती है। इसको बनाने के लिए हम एक बर्तन ले लेंगे, याद रखिए जो भी बर्तन लीजिएगा थोड़ा मोटा लीजिएगा, मोटे तले की, उसमें हम गुड़ डाल देंगे। हमने यहाँ पर देखिए इसको कद्दूकस कर लिया है, छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए, कद्दूकस कर लीजिए, कूट लीजिए, जिस तरह से भी आपको लेना है, गुड़ को छोटा छोटा टुकड़ा बना लीजिए, आसानी से पिघल जाएगा, और उसको एक बर्तन में डाल दीजिए। हमने यहाँ पर लगभग 30 ग्राम जो गुड़ है उसका इस्तेमाल किया है, 30 ग्राम गुड़ का ही इस्तेमाल करें, यानी चम्मच से आप उसे 3 चम्मच आप ले लें और उसमें आपको 2 चम्मच पानी डाल देना है, 2 चम्मच पानी डाल दें। उसके बाद आप इसमें डाल दें दोस्तों हल्दी का पाउडर, हल्दी का पाउडर आप 1 चम्मच ले सकते हैं या 10 ग्राम में, और इसे अच्छी तरह से पिघलने देना है। पहले गुड़ को हमें बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे ही पकाइए या मीडियम से हल्का तेज़, नहीं तो ये जल जाएगा बहुत जल्दी। धीरे धीरे इसे पका लीजिए आप ताकि गुड़ अच्छे से इसमें पिघल जाए। हल्दी जो होता है वो बहुत ही समय से एक दवाई का काम करता है, और ये एक एंटीबायोटिक होता है, खाने में तो हम इसे लेते ही हैं, हमारे शरीर के अंदर ये बहुत ही फायदा करता है, साथ ही साथ ये एंटीसेप्टिक होता है, कहीं चोट की वजह से अगर आपको सूजन हो रखी है उसको भी ये ठीक करता है, या किसी भी प्रकार का आपके एरी में दर्द हो रहा हो, आपके कमर में दर्द हो रहा हो, आपको उंगलियों में दर्द हो रहा हो, या फिर आपके घुटने की को भी जकड़न हो गई है, दर्द हो रहा हो, सबको ये ठीक करने में काफ़ी कारगर है। यहाँ तक कि बहुत सारे रिसर्च में भी हल्दी को एक मेडिसिन के रूप में देखा जाता है, काफ़ी समय से इसका प्रयोग होता रहा है। जैसा कि मैंने बताया रोम छिद्रों में जाएगा और वहाँ से भी हमें बहुत ही लाभ दिलाएगा एक लेप के माध्यम से। तो देखिए अच्छी तरह से हल्दी और गुड़ मिल गया है, तो अब हम इसमें डाल देंगे चूना। दोस्तों जो खाने वाला चूना होता है ना उसी का इस्तेमाल करना है हमें, चूना भी हमें 10 ग्राम का इस्तेमाल करना है। आपको बहुत ही आसानी से किसी भी पान वाले जो दुकान होते हैं, पानसारी के दुकान, वहाँ पर आपको चूना खाने वाला मिल जाएगा, उसका ही इस्तेमाल करिएगा। चूना ही डालते ही इसका जो रंग है ना वो बदलने लगेगा, गाढ़े रंग का होने लगेगा।
अब इस लेप को हमें बिल्कुल एक मिनट के लिए और पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं पकाना है। तो देखिए हल्का गाढ़ा हो चुका है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है क्योंकि हमें इसे हल्का ठंडा करना है, गुनगुना होने तक जितना हम बर्दाश्त कर सकते हैं उतना ही ठंडा करना है। तो इसके लिए अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और ये धीरे धीरे और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, जितना ठंडा होगा उतना ज़्यादा ये गाढ़ा होता जाएगा। तो गैस का फ्लेम हमने बंद कर दिया है और इंतज़ार कर लेते हैं 5 मिनट के लिए ये हल्का ठंडा होने तक। तो देखिए हम इसके छूकर देखते हैं, हम इसे बर्दाश्त कर सकते हैं, ये इतना ठंडा हो गया है, बहुत बिल्कुल ठंडा नहीं करिएगा नहीं तो फ़ायदा नहीं करेगा। और देखिए ये गाढ़ा भी हो गया है, तो ये परफेक्ट तैयार हो गया है। तो अब हम चलिए इसको कैसे हमें इस्तेमाल करना है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए हम इसको घुटने पे लगाएंगे और याद रखना है, देखिए जो ये घुटना मैं आपको दिखा रही हूँ इसमें बहुत सारे बाल हैं, अक्सर होते हैं हमारे घुटनों में बाल, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो बाल अगर आपके घुटने में बहुत हैं तो इसको बाल के उल्टे साइड से नहीं लगाइएगा, नहीं तो आपके बाल उखड़ जाएंगे और दर्द होगा। तो बाल वाले साइड से ही उंगली की मदद से एक तरफ से इसको नीचे ऐसे करते करते सारे लेप को लगा देना है। आपके घुटने में ग्रीस ख़त्म हो रही हो या घुटने में जकड़न हो गई हो, कटकट की आवाज़ आ रही हो या फिर दर्द हो, किसी भी तरह का जोरों का दर्द हो, आप कहीं भी इसे लगा सकते हैं। इसी तरह से आप इसे एरी में लगा सकते हैं, आप इसे कमर में लगा सकते हैं। तो देखिए पूरी तरह से लेप हमने लगा दिया है, सारा कुछ से आराम आपको मिलेगा। अगर सूजन हो रखी हो ना, सूजन को भी आराम दिलाएगा और लगाते ही आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको बिल्कुल आराम होगा क्योंकि ये हल्का गर्म भी होता है ना और गर्माहट देगा गुरी से, यहाँ इसकी जो विटामिन है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, उससे भी आपकी जो स्किन में, आपकी जो चमड़े में छेद होती हैं ना छोटी छोटी, उससे आपको वहाँ फ़ायदा मिलेगा। इसका बहुत ही लाभ है, आयुर्वेद में भी लेप का इस्तेमाल किया जाता है इस तरह के दर्द को ठीक करने के लिए, इस तरह की परेशानी को दूर करने के लिए। अब हमें इसे लगा कर कितने देर तक रखना है मैं बता देती हूँ आपको, इसे कम से कम 6 घंटे के लिए रखना है, 6 घंटे तक आपको इसे ऐसे ही लगा रहने देना है। और आप चाहें तो इसको सोने से पहले लगा के सो सकते हैं, इसके ऊपर आप कोई एक पेपर से, जो न्यूज़पेपर अखबार आता है उससे लपेट दीजिए ताकि आपके कपड़े में ना लगे। और उसके बाद आपको इसे निकालना कैसे है मैं आपको बता देती हूँ। तो निकालने के लिए देखिए आपको एक गीला कपड़ा लेना है, ठंडे पानी का नहीं, हल्का गुनगुने पानी का गीला कपड़ा ले लीजिए और उसको ऊपर से नीचे, क्योंकि बाल है टूट जाएंगे, ऊपर से नीचे, और ये सुबह में आपको बहुत ये हल्का गाढ़ा हो जाता है, चिपक जाता है, तो इसे सावधानी से पानी से पहले इसको फुला लेना है और ऊपर से नीचे इसको निकाल लेना है। देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से मैं दिखा रही हूँ, ये निकल जाएगा, बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। और उसके बाद आपको क्या करना है, तेल बना लेना है फटाफट से। तो तेल आपको कैसे बनाना है, तो देखिए एक बर्तन में आपको डालना है सरसों का तेल, 2 चम्मच तेल डाल दीजिए। उसमें आपको डालना है 1/2 चम्मच अजवाइन। अजवाइन के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, अजवाइन जैसा हमने बताया एनाल्जेसिक होता है, किसी भी तरह का दर्द हो उसको वो खींच लेता है, साथ ही साथ सूजन हो उसको भी वो ठीक करता है। और आयुर्वेद में इसे भी काफ़ी लंबे समय से प्रयोग करते आ रहे हैं हम दर्द निवारक के लिए, और इसे भी हम दवाई की तरह प्रयोग करते हैं। बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं, पहले भी हमने बताया है वीडियो में। तो देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, दोनों को सिर्फ 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कड़का लेंगे, हमने इसे पका लेंगे। बस गैस का फ्लेम बंद कर दीजिए और हल्का गुनगुना होने तक इसे ठंडा कर लीजिए, पूरा ठंडा नहीं करना है। और इस तेल से आपको उसके बाद अपने घुटने में या फिर जहाँ भी आपको दर्द हो मसाज करना है। किस तरह से मसाज करना है, तो पहले उंगली की मदद से ऊपर नीचे, आप जैसे मैं दिखा रही हूँ इस तरह से आपको मसाज करना है, ऊपर से नीचे लेके आइए इस तरह से, ताकि इसमें जो स्टिफनेस हो गया है यानी ये हिलता नहीं है, जकड़न हो गई है, उससे आपको इसे ये दूर होगा। और उसके बाद आपको इसे गोला गोला घुमाते हुए हर तरफ से, ये जो आपकी घुटने की कटोरी है ना ऊपर, ये कैप जो बोलते हैं, ये जम गई हैं, इसको निकालने में मदद करेगा। और आप जो अजवाइन वाला है ना तेल, उसमें मैं भूल गई बताना, उसमें लहसुन भी आप मिला सकते हैं, लहसुन भी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, लहसुन के अनेकों फ़ायदे हैं दर्द को खींचने के लिए, सूजन को खींचने के लिए। और इससे आपको इस तरह से मसाज करना है लगभग 5 मिनट के लिए, तो करिए ही मसाज। और उसके बाद आप जा सकते हैं, टहल सकते हैं, ज़्यादा तेज़ नहीं दौड़ना है, कुछ बातों का ध्यान रखना है, मैदा वगैरह नहीं खाना है ज़्यादा,
और ठंडी चीज़ों से परहेज रखना है, खट्टी चीज़ों से बहुत ज़्यादा जो खट्टी होती हैं उनसे परहेज रखना है, इन सब बातों का ध्यान रखिए। आपको सारे जो जोड़ के दर्द हैं या फिर आपको घुटने की करकट की आवाज़ आ रही है, ग्रीस ख़त्म हो गई है, मांसपेशियों के दर्द है, आपकी सारी चीज़ों से आपको राहत मिलेगी। ये दोनों चीज़ों का आप इस्तेमाल करना आज से ही शुरू कर दें। वीडियो अच्छी लगी है तो ऑल हेल्दी टिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के साथ करिएगा, वहाँ पर एक घंटी लगी होगी उसको दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि घंटी दबाने से जो भी मैं वीडियो डालूँगी ना तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। और अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। शुक्रिया।